देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के मसले कम होते नहीं दिख रहे। पहले 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर CJI पर महाभियोग प्रस्ताव और अब 2 वरिष्ठ जजों जस्टिस रंजन गोगोई और मदन लोकुर का CJI को लेटर। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने CJI को पत्र लिखकर कहा है कि सर्वोच्च अदालत के भविष्य और संस्थागत मसलों पर चर्चा करने के लिए फुल कोर्ट बुलाई जाए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 7 विपक्षी दल CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। जस्टिस गोगोई और लोकुर जजों को चुनने वाले कॉलेजियम के भी सदस्य हैं। क्या होता है फुल कोर्ट बुलाने का मतलब? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का मतलब है सभी जजों की एक बैठक बुलाना। ऐसी बैठक आमतौर पर CJI द्वारा तब बुलाई जाती है जब न्यायपालिका से जुड़े जन महत्व के किसी बेहद जरूरी विषय पर चर्चा करनी हो। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में ही 12 जनवरी को देश में पहली बार न्यायपालिका में असाधारण स्थिति देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों ने मीडिया को संबोधित किया था। उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जस्टिस दीपक मिश्रा अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद इस पद पर जस्टिस गोगोई के ही आने की संभावना है।